हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुलेमान डॉक्टर बंचल मैं आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज जो हम बात करेंगे आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया आप पिक में देख रहे होंगे, इस तरह का आर्टिकेरिया होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो एलर्जी टाइप की होती है, बहुत चूल वगैरह मस्ती है, एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसमें तो दोरे टाइप के पड़ जाते हैं, पैचेस टाइप के पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा पैचेस पड़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। इसी के बारे में क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसके यूजेस है, कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। आर्टिकेरिया, ये आर्टिकेरिया एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है आपके शरीर में ही ये होती है, यानी आपके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं या आपका मैकेनिज्म होता है, बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है, काम करने की जो एक्टिविटीज होती है, बॉडी के अंदर जो भी मैकेनिज्म होता है वो गड़बड़ हो जाता है, जिस वजह से ये आर्टिकेरिया हो जाता है, यानी स्किन, इसको एक तरह का स्किन एलर्जी भी बोलते हैं इसको। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे गाइस। ये आर्टिकेरिया जो होता है, ये इसे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपका खान पीन हो सकता है, आप क्या खा रहे हैं, उस किसी भी फूड से भी आपको एलर्जी हो सकती है, किसी दवाई से भी आपको एलर्जी हो सकती है। ये कब होती है, आपका जब अंदर से इम्यून सिस्टम है, जो आपका जो बीमारियों से लड़ता है, वो काम करना थोड़ा कम कर देता है, और आपका बॉडी जो है कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस की वजह से अगर आपको ये चीज हो रही है तो उसको अच्छे से किल नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तभी आर्टिकेरिया होता है। आर्टिकेरिया का वैसे तो कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है नहीं, पर इसको ट्रीट करने के लिए कुछ कॉमन मेडिसिन होती है जो दी जाती है, या कुछ सावधानियां बरतनी होती है, कुछ प्रिकॉशन करने होते हैं, तभी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसका इलाज जो लंबा चलता है। अगर कोई ये बोलता है कि मैं आपको 1 वीक में, एक महीने में परमानेंट आपका ट्रीट कर सकता हूँ, कोई भी डॉक्टर अगर ये क्लेम करता है, तब ये वो गलत बोल रहा है, क्योंकि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है नहीं। क्या होता है, अगर हम कोई भी मेडिसिन अगर आप हम दे रहे हैं इसको, स्किन एलर्जी आर्टिकेरिया को ट्रीट करने के लिए, कोई भी इसको इसका इलाज अगर हम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, सिर्फ एलर्जी को रोकेगा, वो एक जगह एलर्जी को रोक, तो ये क्या होता है, दवाइयां जो हम देते हैं वो उसको रोक देता है, एक जगह रोक देगा। जैसे आपकी एलर्जी हो रही है, हमने कोई इंजेक्शन दिया, डॉक्टर ने कोई भी इंजेक्शन लगाया आपको या कोई मेडिसिन दिया, तो वो आपकी एलर्जी को सिर्फ रोक देगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन इस तरह से वो रोक देगा, 10 दिन रोक देगा। लेकिन अंदर से जो ट्रीट करेगा वो आपका इम्यून सिस्टम या आपकी बॉडी खुद इसको ठीक करेगी, और इसको 1 साल 6 महीने 15 दिन 20 दिन ऐसा लग सकता है, एकदम इसको ट्रीट नहीं होता ये। तो गाइस, ये थे कुछ कारण इसके होने के, जैसे मान लो आपका फूड है, किसी फूड से एलर्जी होती हो सकती है, आपको क्या रेगुलर मॉनिटरिंग करना होगा कि कौन से फूड से एलर्जी हो रही है, क्या चीज खाने पर आपको ये चकदे टाइप के आर्टिकेरिया स्किन एलर्जी आ जा रही है, आपको ये मॉनिटर करना होगा लगातार। और आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, किसी मेडिसिन की वजह से, उसको भी आपको मॉनिटर करना होगा। अगर फूड की वजह से है तो बहुत सारा आप न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसमें स्किन के टेस्ट वगैरह होते हैं, क्या आप एलर्जी का टेस्ट कराइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या परेशानी है और आप ठीक हो जाएंगे। जबकि वो जो फूड जो आप खाना वगैरह खा रहे हैं, वो कुछ लिमिटेड फूड होते हैं जो आप खाते हैं, जो खाने में लेते हैं, उनका वो टेस्ट करते हैं कि किसी फूड से आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर उसमें कोई होता है, आपको डिटेक्ट करके बता देते हैं और बोलते हैं कि इस चीज को नहीं खाना है, तो आपको एलर्जी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे 24 घंटे में 1000 नंबर्स ऑफ फूड्स लेते हैं, कभी आप कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है। तो इससे वो टेस्ट होते हैं, जैसे CBC करा सकते हैं, TSS करा सकते हैं, थायरॉयड वगैरह होता है वो करा सकते हैं, विटामिन B12 का टेस्ट करा सकते हैं, क्रिएटिनिन वगैरह का टेस्ट करा सकते हैं, और HGOT वगैरह, ये जनरल कॉमन टेस्ट होते हैं। अगर इसमें अगर आ जाती है आपकी एलर्जी, तो उस हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन चलाता है आपको। और अगर इसमें कोई एलर्जी नहीं आती है, तो आपका किसी वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है एलर्जी। जैसा कोई ज्यादा खास ट्रीटमेंट है नहीं, इसको जनरल मेडिसिन चलती है, जैसे आपको एलेक्रा 180 mg लिवोसिट्राजिन आपको ये रेगुलर लेना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। बहुत सारे क्या होता है कि आप जगह अलग अलग डॉक्टर के पास जाते रहते हैं कि यहाँ से एलर्जी ठीक नहीं होगा, दूसरी जगह से ठीक नहीं होगा, तीसरी जगह से, पर ऐसा नहीं, कभी डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका परमानेंट इलाज ट्रीटमेंट है नहीं। यही टेबलेट चलती है, लिवोसिट्राजिन हो गया, फैक्सोफेनाडिन हो गया, या एंटीहिस्टामिन, जितनी भी टेबलेट होती है यही टेबलेट चलती है, लंबे समय तक चलती है टेबलेट। धीरे धीरे क्या ये क्या करती है, सिर्फ जो आपको एलर्जी हो रही है उसको कंट्रोल करके रखेंगे, यानी रोक के रखेंगे, ये परमानेंट ट्रीट नहीं करेंगे। आपके अंदर से जो बॉडी के अंदर जो आपका मैकेनिज्म है या इम्यून सिस्टम है, वही उसको ठीक करेगा, ऑटोमेटिक ठीक करेगा वो उसको, ये सप्रेस करके रखेगा। ये लंबे टाइम तक चलती है, ऐसे आपने इसको 1 हफ्ता 1 वीक या 2 वीक 20 दिन 25 दिन आपने लिया, लगता है कि एलर्जी नहीं हो रही है, फिर गैप करके देखते हैं कि मतलब एलर्जी हो रही नहीं हो रही, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसका इलाज जो होता है, जैसा आप रेगुलर टेबलेट लिवोसिट्राजिन ले रहे हैं रात को सोते टाइम, और आपको 1 महीने तक एलर्जी नहीं हुई, 1 महीने के बाद एलर्जी नहीं हो रही, तो आप गैप कर सकते हैं। अगर सुबह शाम ले रहे हैं तो 1 टाइम ले सकते हैं, और अगर मान लो आप पर डे ले रहे हैं, तो आपको 1 दिन करके गैप ले सकते हैं 1 वीक तक, फिर भी एलर्जी नहीं हो रही है तो 2 दिन का गैप कर सकते हैं, फिर वीकली 2 बार ले सकते हैं, अगर फिर भी एलर्जी नहीं, वीकली 1 बार ले सकते हैं।
इस तरह से इस टेबलेट को लेते रहना है ताकि अंदर से आपका जो एलर्जी आर्टिक्रिया जो स्किन एलर्जी है ठीक हो सके। इसी तरह से लिया जाता है। बाकी कैलामाइन लोशन वगैरह होता है वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। बाकी अगर मान लो कोई सीवियर एलर्जी हो रही है तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना ही चाहिए, तभी आपका पूरा ट्रीटमेंट हो पाएगा। ये गाइस मैंने आपको बताया आर्टिक्रिया स्किन एलर्जी डिजीज के बारे में, मतलब कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है और क्या कारण होते हैं। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि समय समय पर हम मेडिकल से रिगार्डिंग वीडियो लाते रहते हैं। और आप कमेंट करके बताइए आपको किस टाइप की एलर्जी है, अगर आपको एलर्जी हो क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। गाइस ऐसी वीडियो सर मिलते हैं अगली वीडियो।